साल 2023 में इन सितारों ने दे दी सबसे कमाओ फिल्में। इस लिस्ट में विकी कौशल का नाम भी है शामिल। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के लिए साल 2023 बेहद खास रहा। इस साल किंग खान की एक नहीं बल्कि तीन धमाकेदार फिल्में सिनेमाघर पहुंची। इन तीनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई कर इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। सिर्फ शाहरुख ही नहीं, साल 2023 इन सितारों के लिए भी रहा खास, जिनकी फिल्मों ने सबसे ज्यादा रकम कमाकर इंडस्ट्री को दी। बता दें कि इस लिस्ट में टॉप पोजीशन पर शाहरुख खान है, जिनकी तीन फिल्मों ने सबसे ज्यादा रकम कमाकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को दी। शाहरुख की इस साल टॉप ग्रोसर मूवी जवान रही, जिसने सिनेमाघरों में 643 करोड़ रुपए जमा किए, जबकि उनकी तीनों फिल्मों ने मिलकर करीब 1300 करोड़ रुपए की कमाई हासिल की। वही साल 2023 में सुपरस्टार रणवीर कपूर की दो फिल्में सिनेमाघर पहुंची। इन दोनों ही फिल्मों ने थिएटर में बम्पर कमाई की। उनकी तू झूठी मैं मक्कार और एनिमल ने मिलकर 688 करोड़ रुपए की धांसू कमाई हासिल की। इस साल फिल्म स्टार सनी देओल की महज एक ही फिल्म रिलीज हो सकी। उनकी गदर 2 ने ऐसा तूफान मचाया कि अकेले इस फिल्म ने सिनेमाघरों में शानदार 525 करोड़ रुपए कमाकर इंडस्ट्री को दिए। सुपरस्टार सलमान खान की दो फिल्में सिनेमाघर पहुंची। उनकी किसी का भाई किसी की जान और टाइगर 3 ने मिलकर सिनेमाघरों में कुल 396 करोड़ रुपए हासिल किए। इससे उनकी स्टार पावर को करारा झटका लगा है। जबकि साल 2023 अक्षय कुमार के लिए खास अच्छा साबित नहीं हुआ। इस साल उनकी तीन फिल्में सिनेमाघर पहुंची, जिनके जरिए फिल्म स्टार कुल 200 करोड़ रुपए कमाकर इंडस्ट्री को दे सके। वही विकी कौशल इस साल एक नहीं तीन फिल्मों में नजर आए। वो जरा हटके जरा बचके, सैम बहादुर और डंकी में दिखे। इन तीनों फिल्मों से उन्होंने 173 करोड़ रुपए कमाकर इंडस्ट्री को दिए। ऐसी मूवी न्यूज़ अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को भी सब्सक्राइब करें।